आर्टिकल 35A आखिर है क्या, और यकीन मानिए इसका आपके जीवन पर भी असर पड़ेगा। और जब आप समझ जाएंगे कि आर्टिकल क्या है तो आपको बहुत गुस्सा भी आएगा, आपको बहुत बुरा भी लगेगा। कश्मीर में धारा 370 के बारे में तो आपने बहुत बार सुना या पढ़ा होगा, लेकिन आर्टिकल 35A के बारे में आप नहीं जानते होंगे। धारा 370 की तरह ही आर्टिकल 35A भी कश्मीर की समस्या के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। इस वक्त आर्टिकल 35A को लेकर देश में एक बड़ी राजनीतिक बहस चल रही है और कश्मीर में राजनीति करने वाली कई पार्टियां इसे लेकर विद्रोह की धमकी दे रही हैं। आने वाले समय में कश्मीर पर इसका बड़ा असर हो सकता है और इसीलिए आज इस विषय को समझना आप सबके लिए, चाहे आप देश के किसी भी राज्य में रहते हों, आप सबके लिए ये जरूरी है। कुछ ऐतिहासिक भूलें ऐसी होती हैं जिनका खामियाजा लंबे वक्त तक पूरे देश को भुगतना पड़ता है, और एक ऐसी ही ऐतिहासिक भूल वर्ष 1954 में हुई थी जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A लागू कर दिया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ऐसा करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तब शायद जवाहरलाल नेहरू कश्मीरियों का दिल जीतना चाहते थे और उन्हें लगता था कि ऐसा करके वो कश्मीरियों को भारत के साथ रहने के लिए राजी कर लेंगे, उन्हें मना लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज यही आर्टिकल 35A भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। कश्मीर में धारा 370 के बारे में तो आपने बहुत बार सुना या पढ़ा होगा, लेकिन आर्टिकल 35A के बारे में आप नहीं जानते होंगे। धारा 370 की तरह ही आर्टिकल 35A भी कश्मीर की समस्या के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। इस वक्त आर्टिकल 35A को लेकर देश में एक बड़ी राजनीतिक बहस चल रही है और कश्मीर में राजनीति करने वाली कई पार्टियां इसे लेकर विद्रोह की धमकी दे रही हैं। आने वाले समय में कश्मीर पर इसका बड़ा असर हो सकता है और इसीलिए आज इस विषय को समझना आप सबके लिए, चाहे आप देश के किसी भी राज्य में रहते हों, आप सबके लिए ये जरूरी है। आज सवाल यह है कि आर्टिकल 35A पर बहस करने से कश्मीर की पार्टियों को, कश्मीर के नेताओं को इतना डर क्यों लग रहा है। इसका जवाब जानने के लिए आपको यह समझना होगा कि आर्टिकल 35A आखिर है क्या, और यकीन मानिए इसका आपके जीवन पर भी असर पड़ेगा, और जब आप समझ जाएंगे कि आर्टिकल क्या है तो आपको बहुत गुस्सा भी आएगा, आपको बहुत बुरा भी लगेगा। 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया था। आर्टिकल 35A धारा 370 का ही हिस्सा है। आर्टिकल 35A के मुताबिक जम्मू कश्मीर का नागरिक तभी राज्य का हिस्सा माना जाएगा जब वो वहां पैदा हुआ हो, यानी कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर का असली नागरिक तभी बनेगा जब वो वहां पैदा हुआ हो, पैदाइशी नागरिक हो। कोई भी दूसरा नागरिक जम्मू कश्मीर में ना तो संपत्ति खरीद सकता है और ना ही वहां का स्थायी नागरिक बनकर रह सकता है। अब सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक है कौन। 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना था जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक स्थायी नागरिक वो व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो और उसने वहां संपत्ति हासिल की हो। हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में आर्टिकल 35 से समझा दिया, लेकिन अगर अब भी आपको समझ में ना आया हो तो हम आपको कुछ उदाहरण देंगे जिससे आपको ये समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे लोग अपना घर, अपना शहर, अपना गांव और अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर बसे होंगे, और आप लोगों ने उस राज्य में अपनी जमीनें खरीदी होंगी या फिर आपने उस राज्य या दूसरे शहर में अपने घर भी खरीदे होंगे। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो आप वहां पर जमीन या घर नहीं खरीद सकते, क्योंकि आर्टिकल 35A आपको ऐसा करने से रोकता है। अब आप ऐसे सोचिए जैसे हमारे ही देश में अगर कोई व्यक्ति बिहार में रहता है और वो नौकरी करने के लिए महाराष्ट्र चला जाता है या बॉम्बे मुंबई चला जाता है तो वो वहां जमीन खरीद सकता है, घर खरीद सकता है, वहां रह सकता है। लेकिन और इसी तरीके से महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति दिल्ली आ सकता है, यहां अपनी जमीन खरीद सकता है, घर खरीद सकता है। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर जाते हैं काम करने के लिए तो वहां आप ना तो जमीन खरीद सकते हैं और ना ही अपना घर बना सकते हैं।
वैसे ये भी एक विडंबना है कि जम्मू कश्मीर के अलगाववादी तो देश भर में अपनी जमीनें खरीद सकते हैं, लेकिन उनके राज्य में देश का और कोई नागरिक जमीन नहीं खरीद सकता। दो दिन पहले ही डीएनए में हमने आपको ये बताया था कि कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के पास दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में एक फ्लैट है। इसके अलावा गिलानी के बेटे नईम गिलानी के पास भी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक फ्लैट है। और भी बहुत सारे अलगाववादी नेता ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली में या देश के अलग अलग हिस्सों में प्रॉपर्टी खरीदी है, जमीन खरीदी है या मकान खरीदे हैं। इन पर कोई रोक टोक नहीं है। आज सवाल यह है कि जिस अधिकार से गिलानी और उसके जैसे अलगाववादियों ने कश्मीर से बाहर के इलाकों में अपनी संपत्तियां खरीदी हैं, वो अधिकार देश के अन्य इलाकों के नागरिकों के पास क्यों नहीं है? और अगर ऐसा है और ये जायज है, तो फिर जम्मू कश्मीर कैसे भारत का हिस्सा हुआ? आर्टिकल 35A की वजह से जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से रहने वाले बहुत सारे लोगों को कोई भी अधिकार नहीं मिला है। 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान को छोड़कर जम्मू में बसे हिंदू परिवार आज तक शरणार्थी हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 1947 में जम्मू में 5,764 परिवार आकर बसे थे। जम्मू में आकर बसे इन परिवारों में 85% दलित थे। इन परिवारों को आज तक कोई नागरिक अधिकार वहां पर हासिल नहीं हुए हैं। आर्टिकल 35A की वजह से ये लोग सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकते और ना ही इन लोगों के बच्चे यहाँ व्यावसायिक शिक्षा देने वाले सरकारी संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर का गैर स्थायी नागरिक लोकसभा चुनावों में तो वोट दे सकता है, लेकिन वो राज्य के स्थानीय निकाय यानी पंचायत चुनावों में वोट नहीं दे सकता। आर्टिकल 35A के मुताबिक अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहर के लड़के से शादी कर लेती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, साथ ही उसके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। आजादी के समय जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय करते वक्त आर्टिकल 370 के जरिए कुछ विशेष अधिकार कश्मीर की जनता को दिए गए थे जो आज तक लागू हैं, और ये आर्टिकल 35A इसी धारा 370 का हिस्सा है। और अगर धारा 370 में से आर्टिकल 35A को खत्म कर दिया जाएगा तो फिर अलगाववादियों की दुकानों के शटर गिर जाएंगे। उनके पास जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करके देखने का कोई आधार नहीं बचेगा, और यही वजह है कि कश्मीर में अलगाववादियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाली राजनीतिक पार्टियां अंदर ही अंदर घबरा गई हैं। दरअसल धारा 370 और आर्टिकल 35A ने कश्मीर को एक तरह का अलग आइलैंड बना दिया है, जहां देश का कोई कानून नहीं चलता, यहां तक और यहां एक तरह से अलगाववादियों की अपनी हुकूमत चलती है। हमारे देश का कानून नहीं चलता, हमारे देश का संविधान नहीं चल रहा वहां पर, हमारे देश की CRPC वहां पर नहीं चल रही, उस राज्य का अपना एक अलग झंडा है। कश्मीर के अलगाववादी भारत के पासपोर्ट पर विदेश यात्रा करते हैं, उन्हें भारत के आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ती है, उन्हें भारत से हर तरह की सुविधाएं चाहिए, उन्हें भारत से सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो भारत में अलगाववाद का झंडा ऐसे ही बुलंद करते हैं।